हम लोग का तो यात्रा लगातार चालू था, झारखंड और बाय इलेक्शन को देखते हुए हम लोगों ने जो है पोस्टपोन किया था। अब फिर से जो है कल से मुंगेर प्रमंडल में जितने जिले हैं उन सभी जिलों का बारी बारी से जो है हम लोग जो है यात्रा में हम लोग जाएंगे और कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं से, पंचायत अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के सभी हमारे जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोग संवाद करेंगे और पार्टी के बूथ स्तर मजबूती के लिए, विस्तार के लिए, संगठन और आगे बढ़े इसके लिए हम लोग जो है उन लोगों से संवाद करके जो कमियां होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छी बात है, एकदम बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री को संवाद जो है लगातार अपने जनता मालिकों के बीच जो है करते रहना चाहिए। दीवार जो है पटना में जैसे खड़ा किया गया है वैसे खड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा है जा रहे हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि अगर मुख्यमंत्री को अपने मालिक जनता से ही बात करना है, संवाद करना है, तो 200 करोड़ से भी ऊपर की राशि कहाँ खर्च होगा। 250 करोड़, 200 करोड़ जो भी राशि है आखिर वो किस लिए है? क्या एक मुख्यमंत्री को अपने बिहार के नेता को जनता से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? ये बड़ा सवाल है कि आखिर 250 करोड़ रुपए की ये जो राशि है केवल संवाद के लिए, बिहार गरीब राज्य है, रेवेन्यू जो है बिहार का रिसोर्स रेवेन्यू लिमिटेड है और आप केवल एक जनता से संवाद करने के लिए अगर आप 250 रुपए खर्च कर रहे हैं तो बिहार की जनता का भी अधिकार बनता है और विपक्ष ये जानना चाहता है कि ये 250 करोड़ रुपए की राशि कहाँ खर्च करेंगे। आप बताइए, ये आश्चर्य नहीं लगता? हम लोग भी संवाद करते हैं, लालू जी भी सरकार में रहे, राबड़ी देवी जी भी सरकार में नहीं, कभी भी संवाद के लिए 250 करोड़ रुपया तो खर्चा नहीं किया गया। एक तरफ बिहार हम लोग जो है विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं, अब आप केंद्र में चले गए सरकार में हैं तो आप भूल गए विशेष राज्य के दर्जे को बिहार को, और ऊपर से गरीब राज्य है, बाढ़ आता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाढ़ के लिए राहत के लिए पैसा नहीं देती है, अब मुख्यमंत्री को संवाद के लिए 250 करोड़ रुपया देना पड़ जाता है। ये तो ताजुब की बात है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी को खाली आगे मुखौटा बना दिया गया है, इनसे बिहार चल नहीं रहा है। चंद लोग जो हैं इनके चेहरे को आगे करके बिहार के खजाने की लूट की जा रही है, ये सच्चाई है। लगता है कि चुनाव पहले कराने की बात हो रही है। आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में खड़ा कर दिया है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आंदोलन तो हो गई। आप बोले थे 22 तक जो है इनका आय दुगुना कर देंगे और आप लगातार जो है इन लोगों पर वार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का नियम कायदा बना रहे हैं, किसानों का अधिकार हक छीन रहे हैं, तो करेंगे लोग। क्या चुनाव पहले कराने की तैयारी हो रही है, आपको लगता है विधानसभा चुनाव? अब पहले कराए या बाद में कराए, जब होना है तो लड़बे ना करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो बाय 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 बाय